अधिक मास में क्या दान करते हैं? अधिक मास में किस चीज का दान किया जाता? मालपुए का दान करते हैं? अरे बोलो तो जम के, कितने मालपुए करते हैं? 33 मालपुओं का दान होता है। 30 मालपुए तो 30 दिन के हो गए, और 3 जो मालपुए होते हैं उसके ऊपर जो 33वें 3 मालपुए जो होते हैं वो एक मालपुआ। तैतीस मालपुए में से 30 मालपुए 30 दिन के, और 31वां नंबर का जो मालपुआ होता है वो हमने अगर हमारी बेटी के घर का कोई अन्न पाया हो, हमने अगर अपनी बेटी के घर का कोई भाग ग्रहण कर लिया हो, हमने अपने अगर बेटी के बहन बेटी के घर का कोई चीज खा ली हो तो हमको दोष ना लगे। 32वें नंबर का जो मालपुआ होता है वो हमने अगर किसी संत गुरु ब्राह्मण साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक किसी विप्रजन किसी ब्राह्मण जन के घर का यदि हमने कुछ खा लिया हो तो उसका दोष न लगे। यह 32वें नंबर का मालपुआ होता। और 33वें नंबर का जो मालपुआ होता है, हमने किसी के घर का सूतक या सावड़ का खा लिया हो, सूतक सावड़ से मतलब है किसी के यहां कोई समाप्त हो गया, कोई शांत हो गया, आपको स्मरण में नहीं है, मालूम नहीं है, और आपने उसके घर का पानी पी लिया, उसके घर का भोजन ग्रहण कर लिया या उसके घर का कुछ खा लिया, हमने अगर कुछ खाया हो, कोई क्या शांत हो गए, कोई क्या समाप्त हो गए, और उसके घर का यदि हमने कुछ पा लिया, कुछ पानी पी लिया सूतक का, तो उसका दोष न लगे। और यदि सावड़ में, सावड़ से मतलब है कि घर में बच्चा हुआ, संतान हुई, बेटा बेटी हो गए, बच्चे हो गए, और उनके यहाँ सावड़ लगी हुई थी, इतने दिन का उनके यहाँ पर सावड़ था, उसके घर का यदि हमने अन्न खा लिया या पानी पी लिया या हमने कुछ ग्रहण कर लिया तो दोष ना लगे। इसलिए हमारे सनातन धर्म में 33 मालपुओं का वर्णन है, 30 दिन के तो वो और 3 वो। अब एक बात और ध्यान में रखना, स्कंद पुराण विष्णु पुराण जब अधिक मास के व्रत का वर्णन करती है तो उसमें 33 मालपुए का ही विधान क्यों लिखा? इसमें रसगुल्ला नहीं लिखा, जलेबी नहीं लिखी, इमरती नहीं लिखी, या कोई 33 सामग्री नहीं लिखी, तो 33 मालपुआ ही क्यों लिखा गया? उसका कारण केवल इतना है, मालपुआ जब बनता है तो उसमें बारीक बारीक छेद हो जाते हैं। शास्त्र के अनुसार जितने छिद्र मालपुए के अंदर रहते हैं, अधिक मास में 3 वर्ष में एक बार यह मालपुए का 33 मालपुए का जो दान दिया जाता है, इससे जो जीव हमारे पूर्वज हमारे जो गए हुए जीव हैं, कई भटक रहे होते हैं, कोई किसी योनि में है, कोई किसी जगह भटक रहा होता है, तो वो उस योनि से हमारे केवल अधिक मास में दान कर देने से वो उस योनि से मुक्त हो जाता है। इसलिए इन मालकियों का वर्णन है।